हेलो नमस्ते एवरीवन माय नेम इज़ नालिनी टू माय किचन आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ही गुथे हुए आटे से कुलचा और नान दोनों की रेसिपी इतना आसान है जिसको बिना ईस्ट के हम बनाएंगे और मिनटों के अंदर बनाएंगे अक्सर हम छोला तो बना लेते हैं छोले के साथ भटूरा ही बनाते हैं लेकिन एक बार इस तरीके से नान और कुलचा दोनों बना करके देखिए और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी घर में रखी हुई चीज़ों से बनेगा और यकीन मानिए इस बार बनाए छोले का स्वाद दोगुना हो जाएगा क्योंकि हम बाज़ार वाले कुलचे और नान एक ही गुथे आटे से बना लेंगे बस इस आटे को गूथना कैसे है वो रेसिपी आपको बतानी है सबसे पहले एक थाली में हम ढाई चम्मच दही लेंगे दही अगर खट्टी है तो और अच्छी बात है इसके बाद वन टीस्पून के करीब पाउडर शुगर आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं डालेंगे और आधा चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे बेकिंग सोडा डालेंगे बेकिंग पाउडर नहीं उसके बाद डेढ़ कप मैदा डालेंगे और एक कप गेहूं का आटा डालेंगे आप चाहें तो पूरा गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और पूरे मैदे से भी बना सकते हैं और थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक भी इस्तेमाल कर रही हूँ सारी चीज़ों को अच्छे से डाल करके पहले मिक्स कर लीजिए कुलचा या नान घंटों तक मुलायम रहे इसके लिए हम दूध से ही आटा सानेंगे नहीं तो आप 50% परसेंट दूध और 50% परसेंट वाटर भी ले सकते हैं एक साथ मत डालिएगा नहीं तो आटा गीला हो जाएगा इसके बाद हम वन टीस्पून के जितना थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इस तरीके से पटकेंगे पटकना बहुत जरूरी है इससे इसके अंदर गुलेटिन फॉर्म होगा और इससे ही हमारा नान या कुल्चा बहुत अच्छा बनेगा ढक करके एटलीस्ट आधे घंटे के लिए रेस्ट जरूर दीजिएगा उसके बाद आप देखेंगे डो का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और इसके बाद एक बार और गूंथ लीजिए दो से तीन मिनट के लिए चिकना कर लीजिए बस अब डो रेडी है अब इससे हम पहले नान बनाएंगे उसके बाद आपको कुलचा भी बना करके दिखाएंगे आप यकीन मानिए ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा इससे आसान विधि इंटरनेट पर आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं नलिनीज किचन पर यह रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद और आप मुझसे कहाँ से, से जुड़ें ये ज़रूर बताइएगा अब आटे को इस तरीके से हमने लोइयों में काट लिया अब आपको जितना बड़ा बनाना हो आपका तवा जितना बड़ा हो आप उतना बड़ा बेल लीजिए ओवल शेप कर लीजिए या गोल कर लीजिए ऊपर से थोड़ा सा कलौजी और कसूरी मेथी लगा दीजिए तो क्योंकि हम प्रोफेशनल नान बना रहे हैं कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी ना है बेलन ना इस तरीके से चला देंगे तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा अब तवा थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और रोटी के जिस साइड हमने कलौजी या आ, कसूरी मेथी नहीं लगाई है उस साइड आपको पानी लगाना है और गरम तवे पे इस तरीके से डाल देना है आप नान थोड़ा मोटा भी बना सकते हैं और मैंने जैसे पतला बनाया आप अब वैसे भी बना सकते हैं एक मिनट मैंने इसको अच्छे से पकाया है नीचे की साइड से जब आप देख रहे होंगे ये बबल्स आना शुरू हो गया है ना फिर मैं इसे तवे को उल्टा कर दूंगी और हीट को मीडियम करके गोल गोल तवे को घुमाऊंगी लुक एट दिस ऊपर से ये आपको जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ना कितना सुंदर दिख रहा है ना बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट वाले नान को फेल कर देने वाला है पीछे देखिए बराबर हीट लगी है तो ये जला नहीं है तो इसको आँखों पे ही रखिएगा ये नहीं कि आपने तवे पे नान डाला और इधर उधर घूम रहा है ऊपर से आप बटर देसी घी कुछ भी डालिए और गरमा गर्म छोले पूरी पराठे के साथ सर्व कीजिए पास से देख लीजिए हंड्रेड बनने की गारंटी है अब चलिए जल्दी जल्दी कुलचा भी बना लेते हैं दो से लोई ले लीजिए जितना बड़ा आपको बनाना है वैसे कुलचा छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत बड़े कुलचा खाए भी नहीं जाते हैं और देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं शेप आप गोल दे लीजिए ओवल दे लीजिए ऊपर से वैसे ही आपको कलौजी आप यहाँ लहसुन भी डाल सकते हैं धनिया डाल सकते हैं कसूरी मेथी ऊपर से टॉप कर सकते हैं बस इसको ना से दबा जरूर दीजिएगा और हाँ मोटा जरूर रखिएगा कुलचा थोड़ा सा मोटा ही होता है आप इस पर कलौजी सिर्फ़ डाल सकते हैं या इस तरीके से कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं इसको बनाने की एक खास ट्रिक है ध्यान से देखिएगा वीडियो में सबसे पहले देखिए मैंने इसको तवे पे डाला उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेगा तवा गर्म है इस वक्त और उसके बाद ढक दीजिए और आपको एक से डेढ़ मिनट इसे मीडियम आंच पे पकाना है जब ऊपर ये देख रहे हैं बबल्स आ गया है ना उसके बाद ये फ्लिप कर दीजिए बस एक साइड और पका लीजिए थोड़ा सा ऐसे पानी मैंने डाला फिर ढकूंगी एक से डेढ़ मिनट के लिए देखिए मैं इसको फ्लिप करके दिखाती हूँ ये देखिए बस जी कुल्चे बन गए और बड़े फ्लफी बनते हैं हल्का सा ऑयल इस पर लगाएंगे ना तो और फूल जाता है अच्छे से फूल जाता है जब भी आपको इसे सर्व करना हो तो अगेन थोड़ा सा कोई भी करी लीजिए तवे पे करी डालिए जैसे छोले की करी हो गई और उसके ऊपर ये कुल्चे डाल के दोनों तरफ से सेक दीजिए कुलचे बिल्कुल स्ट्रेट स्टाइल रेडी हो जाते हैं और एक एक करके मैं ऐसे ही सारे कुलचे तैयार कर लूँगी गर्म तवे पर डालिए थोड़ा सा पानी छिटकिए और दोनों साइड से फ्लिप करके पानी डाल डाल करके पका लीजिए पानी ज़्यादा नहीं डालना है एक से डेढ़ टेबल स्पून ही पानी डालना है इतनी मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है सब्सक्राइब करना तो बनता ही है ना और अच्छा लगा वो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बड़े काम की रेसिपी है भाई गर्मियाँ आ रही हैं मम्मी पापा सब परेशान होंगे बच्चों को रोज़ बाहर कौन ले जाएगा घर में बनाइए उससे आधी कीमत में ये फुले फुले कुल्चे बन के रेडी हो जाते हैं तो आप चाहे तो आप नान बना लीजिए मिनटों में या मिनटों में कुल्चा तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा मैंने इसे छोले के साथ सर्व किया और पता है ये जो पी, आपको पीछे छोले दिख रहे हैं ना ये मैंने पांच मिनट के अंदर बनाया है उसका वीडियो कल अपलोड करूंगी एट दिस पहले कुलचों को तो देख लीजिए भाई क्या सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं जालीदार स्पॉन्जी और स्वादिष्ट तो इतना बना था और हाँ एक चीज और बता देती हूँ आप चाहें तो कुलचों को जिप लॉक बैग में रख करके फ्रिज में रख सकते हैं पूरे पंद्रह से बीस दिनों के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा छोले देख रहे ना कितना टेस्टी दिख रहा है हमारे नान और कुलचों का क्या कहना